जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों और राज्य के दर्जे के लिए लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। कहते हैं उन्होंने अभी अपनी पार्टी का नाम तय नहीं किया है क्योंकि लोग खुद तय करेंगे। आजाद ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी उनके खून से बनी हुई है, कंप्यूटर से नहीं और ट्विटर से नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी अपनी पार्टी का नाम तय नहीं किया है। आजाद ने कहा, मेरे लोग हमारी पार्टी का नाम तय करेंगे। मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी नाम चाहता हूं ताकि हर कोई आसानी से इससे जुड़ सके। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच कंप्यूटर और ट्वीट तक सीमित है। आजाद ने कहा, यही वजह है कि कांग्रेस जमीन पर कहीं नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि वो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं और अभी वो मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नहीं है। मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ। पिछले एक हफ्ते में कई लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और मेरा समर्थन किया है। आजाद जम्मू हवाई अड्डे पर अपने समर्थकों के जोरदार स्वागत के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जम्मू के साथ तालमेल बिठाने के लिए डोगरा पगड़ी पहनी। और दूर दराज इलाकों के वो साबका मिनिस्टर एमएलए जो कश्मीर से हैं, यहाँ दूर दराज, वो उनसे मैंने ही माफी मांगी है कि आप इधर नहीं आना, आपके इलाकों में दबाऊंगा। लेकिन बिलखसूस मैं उन 5 एमएलए का शुक्रिया अदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी के कुल 12 एमएलए चुन के आए थे, उनमें से 3 एमएलए लद्दाख, बाकी 9 एमएलए जम्मू कश्मीर यूटी के बचे, उनमें से 3 एमएलए 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के कश्मीर का, हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 सबका एमएलए और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए, मैं क्या करूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए पिछले 2 साल से बचे थे, उनमें से 5 एमएलए चिनाब वैली से जीएम सुरुड़ी साहब और पीर पंचाल से चौधरी अकरम साहब बचे, दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही एमएलए बचे थे, मातरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो डिसऑर्ड असेंबली के मेंबर उसमें थे, गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीडी न्यूज 24x7।